सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, जय हिंद। कैसे हो मेरे भाई? अंडर 15,000 15,000 रुपए के अंदर आपको कमाल के स्मार्टफोन चाहिए, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, बढ़िया सा प्रोसेसर चाहिए, 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा चाहिए, 120 गीगाहर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले चाहिए, 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, सारी की सारी नीड्स आपको यहाँ पे पूरी करने वाला हूँ। 5 ऐसे कमाल के स्मार्टफोन। बट गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, स्मार्टफोन 4G है एंड प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन है। सो गाइस, इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 के ऊपर आता है हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 11, जो कि आपको 12,000 रुपये का देखने को मिल जाता है एंड प्लास्टिक की बॉडी आपको कंप्लीटली यहाँ पे देखने को मिलती है। 6.7 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड गाइस, इस प्राइसिंग के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी बड़ी बात है मेरे भाई। 60 गीगाहर्ट्ज़ की आपको रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, 180 गीगाहर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। सो गाइस, इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल की और ऑसम देखने को मिलती है। बैक की बात करें तो बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50+2 एंड AI का लेंस देखने को मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको फ्रंट के ऊपर यू नॉच के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G88 आपको चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग चिपसेट है और 12mm बेस्ड है, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है। एंड आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स का UI देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट के साथ ये डिवाइस आपको देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर जैसे आपको सभी के सभी हैं जो सेंसर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको गाइस 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33W का फास्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, 4+64GB रैम स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 12,500 रुपए के अंदर देखने को मिलता है, 12-12,500 रुपए के अंदर। एंड ऑफर वगैरह के अंदर आपको कुछ ये 11,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस के अंदर मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। इस लिस्ट के अंदर गाइस आपको एक नॉन चाइना स्मार्टफोन देखने को मिलता है। नंबर 4 के ऊपर आता है गाइस हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M32, जो कि एक 4G डिवाइस है एंड काफी कमाल का डिवाइस है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें इस डिवाइस के अंदर, तो आपको 6.4 इंचेस का फुल HD एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90 गीगाहर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 180 की आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, 800 की नीट्स ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। सो गाइस, इस डिवाइस का भी जो डिस्प्ले है वो सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा कूल और ऑसम देखने को मिलता है। अगर बैक की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64+8+2+2 एंड 20MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 15W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G80 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12mm बेस्ड और गेमिंग चिपसेट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक, ट्रिपल स्लॉट जैसे आपको सभी के सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, 1 UI सैमसंग का देखने को मिलता है। और फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 4+64GB रैम स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 15,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, सैमसंग की तरफ से आने वाला 15,000 रुपये के अंदर 4G स्मार्टफोन एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कहूँगा। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिस्प्ले आपको, हर एक चीज़ कैमरा बेस्ट देखने को मिलता है। और कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो गाइस, इस डिवाइस की तरफ मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। सो गाइस, नंबर 3 के ऊपर आता है इस लिस्ट के अंदर फिर से एक और नॉन चाइनीज स्मार्टफोन, जो कि है इंडियन एंड माइक्रोमैक्स इन नॉट 2, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया था। ऑल राउंडर स्मार्टफोन है, बिकॉज आपको हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। सबसे पहला कि इस प्राइस के अंदर ग्लास बैक कोई नहीं देखने को देता आपको कंपनी ब्रांड, बट माइक्रोमैक्स आपको इस डिवाइस के अंदर ग्लास बैक का जो सपोर्ट है वो देखने को देता है बैक की तरफ। एंड सैमसंग से इंस्पायर है डिज़ाइन को, सैमसंग गैलेक्सी S जैसा आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, ट्रिपल सिम स्लॉट, 3.5mm जैक, एरो कंपास वगैरह सभी के सभी सेंसर। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड 60GHz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, एंड गाइस 550 की नीट्स ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, स्टॉक एंड्रॉइड फुली आपको देखने को मिलता है। एंड इस लिस्ट के अंदर मैं कहूँगा कि ये एक ही ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। इस डिवाइस के अंदर गाइस अगर कैमरा मॉडल की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48MP +5+2+2 एंड 4K तक की वीडियोज़ को शूट कर सकते हो, 16MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि है मीडियाटेक हेलियो G95 12mm बेस्ड 4G चिपसेट है गेमिंग वाला, एंड उसी के साथ आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 30W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो गाइस 4+64GB रैम स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 13,500 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। बट भाई, मेरे होली आने वाली और सभी के स्मार्टफोन के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, ये डिवाइस भी आपको 12-12,500 रुपये के अंदर काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ देता है एक इंडियन ब्रांड। और मैं कहूँगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद और माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करो, सो काफ़ी अच्छी बात होगी। सो गाइस, इस लिस्ट के अंदर नंबर 2 के ऊपर आता है हमारे पास रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 8।
Mi 8 भी काफ़ी कमाल का डिवाइस है एंड गाइस 4+128GB जो रैम स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको 16,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। 4+128 वाला 16,000 में काफ़ी कमाल का है। गाइस इसके स्पेक्स की बात करें तो 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 60GHz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंड गाइस 1000 की आपको नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले काफ़ी कमाल की है, 16,000 रुपये के अंदर मैं कहूँगा बेस्ट है। एंड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैक की तरफ 64MP +8+2+2 4K तक के वीडियोस को शूट कर सकते हो। 16MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस उसी सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए 5000mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक के लिए G95 देखने को मिलता है। 4G चिपसेट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 12MM बेस्ट है। एंड गाइस गेमिंग आपको डिवाइस है तो देखने को मिलता है गेमिंग, यहाँ पे ये जो है गाइस प्रोसेसर है। उसी के साथ गाइस अनदर फीचर की बात करें तो गाइस 3.5mm जैक, एंड्रॉइड 11, रियलमी UI देखने को मिलता है, ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। ये एक ऐसा इस लिस्ट के अंदर डिवाइस है जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया 4+128 वाला वेरिएंट आपको 16,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। सो गाइस इस लिस्ट के अंदर फाइनली हम बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के अंदर जो कि आपकी सभी की सभी नीड्स आपकी पूरी करेगा। आप अपनी नीड के हिसाब से एंड अपने प्राइसिंग के हिसाब से, आप अपनी ब्रांड चॉइस के हिसाब से इनमें से कोई भी डिवाइस है जो सिलेक्ट कर सकते हो। 4G स्मार्टफोन होंगे सभी के सभी हैं। 5G स्मार्टफोन लोगे तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट 4G में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस नंबर 1 के ऊपर आता है रेडमी नोट 11S। गाइस ये डिवाइस काफ़ी कमाल का और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90GHz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1000 की नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। डिस्प्ले इसकी ऑसम है, ऑसम। गाइस आपको यहाँ पे मीडियाटेक हेलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का है और एक गेमिंग चिपसेट है। कैमरा मॉडल की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैक की तरफ 108MP 108MP का मेन कैमरा सेंसर +8+2+2 एंड 16MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर। अगर अनदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर ट्रिम, ट्रिपल सिम स्लॉट जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फाइनली इस डिवाइस की प्राइसिंग की बात करें 6+64 वाला आपको 16,500 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस 16,500 रुपये के अंदर मैं कहूँगा बेस्ट है और ये भी ऑफर वगैरह लगा के गाइस डिवाइस है जो 15,000 रुपये के अंदर आ जाता है। ये सभी के सभी डिवाइस गाइस ऑफर लगाओगे तब तो आपको 15,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएंगे और 15,000 से नीचे भी अंडर आप 12,000 भी कह सकते हो। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे 2-3 डिवाइस तो ऐसे हैं जो आपको 12,000 रुपये में भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आप अपनी नीड के हिसाब से, आप अपने ब्रांड के हिसाब से इनमें से कोई भी डिवाइस को चूज़ कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि अभी आपको जो 4G डिवाइस लेना चाहिए क्योंकि अभी 5G आने में 2 साल का टाइम है और 2 साल तक आप डिवाइस कोई भी नहीं चला सकता। 2 साल बाद में आपको चेंज करना पड़ता है। आप 4G डिवाइस लो ताकि आपकी सभी के सभी नीड्स हैं जो पूरी हो जाए, आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ है जो फीचर्स के अंदर ना करना पड़े। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जुड़ना। मिलते हैं ऐसी और कमाल की वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।